Guys, I'm checking out all your entries. Another brilliant day starts with you beautiful people. कितनी सारी entries भेजी हैं यार तुम लोगों ने. I'm speaking about the giveaway here. किधर गया? एक पूरा फोल्डर बनाना पड़ा है मुझे आप सभी लोगों की ईमेल्स के लिए. एक सेकंड में कैमरा जरा ये बाजू ले लेता हूँ. ये फेस पूरा मेरा डार्क आ रहा है. देखो ऐसा सब चीज देखना पड़ता है. अभी लग रहा है ना एक नंबर. वैसे इस बार बाल नहीं काटने वाला, ये ऐसे बढ़ाने वाला हूँ मैं. देखते हैं ना कैसे बढ़ते हैं. अभी एक वेव फॉर्म तो बन गया है, अभी और ऐसे 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 बनेगा लगता है. पूरा साइनोसॉइडल वेव. यस साइंस. और कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया, मुझे डायरेक्ट ड्राइव की लिंक दे दी है. तो वैसे मत करो यार, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं डालोगे तो जनता जनार्दन वोट कैसे करेगी? वो लोग आपकी वीडियो देखेंगे कैसे? रिजल्ट मैं नहीं डिक्लेयर करने वाला, रिजल्ट पब्लिक डिक्लेयर करने वाले हैं. अपना पब्लिक, द यूआईसी फैमिली. और आज मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मुझे और दीपिका को बाहर जाने का, पोस्ट ऑफिस में भी जाने का. तो चलो चलते हैं. पर जाने से पहले आपको मेरा भोजन दिखाता हूँ. चिकन सूप, सम पैन फ्राइड चिकन, दाल, अंडा. बिफोर हैविंग ऑल दोस थिंग्स, सम फ्रूट्स, रोटी, राइस एंड दीस टाइम पास थिंग्स. ऐसा ऑसम भोजन का के निकलने वाले. मेरा भोजन इतना ऑसम है ऑल थैंक्स टू दिस लेडी. ये मेरा भोजन का अच्छे से ध्यान रखती है. थैंक यू माय लेडी. वैसे लास्ट वीडियो में दीपिका को बहुत पसंद किया सब लोग ने. और वो बस वाले सीक्वेंस में वो जो कुछ कर रही थी ना, वो बाद में मुझे याद आया. मतलब कल याद आया फाइनली. थैंक गॉड. अरे याद तो आया, वो इम्पोर्टेंट है ना. तो कैसे भूल सकता है. लेकिन लुक एट द पॉजिटिव साइड, याद तो आया. आया. देर आए दुरुस्त आए. वैसे ही अपना गिव अवे का है. ऐसा टेंशन मत लो, पहली पब्लिक ने वीडियो डाल दी, उनको व्यूज आ गए. आप कभी भी डालो, आपका वीडियो तोड़ू रहेगा ना तो जनता जनार्दन. मैडम रेडी? चलो फिर से वो शैम्पू यूज किया. ओके नाउ दैट शैम्पू रिमाइंड्स मी, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था दीपिका कौन सा शैम्पू यूज करिए, क्योंकि फुटबॉल वाले वीडियो में मैंने बोला था उसके बालों से काफी अच्छा स्मेल आ रहा है. आई वुड लाइक टू शेयर दिस प्रोडक्ट विद यू नाउ. इफ यू गाइस रिमेंबर, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको वाव का ये एलोवेरा जेल बताया था. एंड आई टोल्ड यू अबाउट इट बिकॉज आई सीरियसली लाइक्ड इट. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डू बिकॉज आई एम अ रिव्यूअर. और रिव्यूअर का जो ओपिनियन होता है उसका बहुत वैल्यू होता है. वी आर नॉट लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स जो कुछ भी कमर्शियल्स बना देते हैं. सो सिंस द पास्ट 2 weeks दीपिका इज यूजिंग दीज शैम्पूज. सो दिस इज द कोकोनट शैम्पू जिसका स्मेल एक नंबर है. राइट, एक नंबर. मैंने ये शैम्पू 4-5 बार यूज किया है. दीपिका ने ज्यादा यूज किया है. और ये जो कंडीशनर है वो शैम्पू के साथ बहुत सही जाता है. मेरे बाल एक्चुअली बहुत स्मूथ हो गए अभी. मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये परफेक्ट है आपके लिए. नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो सॉल्ट, नो कलर. I would like Deepika to share experience about these 2 products. ये जो combo set है, इसका foam बहुत ही कम है, इसका झाग बहुत कम आता है और बहुत concentrated है. हाँ. Cleansing अच्छा है. That is what I experienced. Yes, even I have experienced the same thing. Main मतलब smell. सभी कोकोनट शैम्पूस को बीट करता है ये स्मेल के मामले में. सेम विद द कंडीशनर, लेकिन ये मुझे कम यूज करना पड़ता है, ये मुझे ज्यादा यूज नहीं करना पड़ा. वाव इज एन इंडियन ब्रांड, काफी अच्छी पैकेजिंग ला रहे, अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे. और अबाव ऑल दे गेव अस अ स्पेशल कूपन कोड वाव UIC20 जिससे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा. सो यू गेट द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स. द रीजन आई गेट सच कूपन कोड्स आर यू पीपल. कूपन कोड जो है वो यूज करना मुझे कमेंट्स में बताना. एकदम कौड़ा कूपन कोड है, मतलब अभी अभी दिया है उन्होंने, टेस्ट नहीं किया. तो बताओ यूज करके कि एक्चुअल में डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर मिल रहा है तो शेयर करो यार. इनके कई सारे प्रोडक्ट्स है वाव के, फिश ऑयल है, चारकोल मास्क है, मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स मंगाए भी है इनसे. ये रहा डिब्बा, अभी ये भी यूज करूंगा मैं. और जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, पर्सनली अच्छे लगते हैं, वो आपको बताऊंगा. आज पांडरी लेके जाना पड़ेगा. डीप लाइफ काड़ू लेके गया है. किधर गया है वो? मुझे नहीं पता. बसंत ऋतु गाइस मिसिंग. यू माइट बी वंडरिंग मैंने ये प्रोडक्ट क्यों दिखाया व्लॉग में. सो सम ऑफ यू माइट बी न्यू हियर ऑन दिस चैनल. आई हैव माय मेन चैनल कॉल्ड योर इंडियन कंज्यूमर, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट रिव्यूज अनबॉक्सिंग करता हूँ. उसकी वजह से मुझे काफी सारे प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं घर पे कंटिन्यूसली. ऑफिस में प्रोडक्ट रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं. उन सभी प्रोडक्ट्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट करता हूँ. अगर मुझे लगे कि प्रोडक्ट का उतना दर्जा है, लेवल है, तो मैं आपको बताता हूँ, वरना मैं नहीं बताता, मैं वापस भेज देता हूँ. एंड दीपिका हैज सीन इट ऑल. काफी पंगे भी लिए कई सारे ब्रांड के साथ, क्योंकि वो लोग पैसे देते तो उनको लगता है कि उन्होंने खरीद लिया है. पर मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस बिकॉज पीपल आर डूइंग अनएथिकल प्रमोशंस. एक रिव्यूअर वो चीज नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है. आई होप यू गेट दैट. इनफ ज्ञान, लेट्स गो. चलो अभी स्पेस में आ ही गया हूँ तो सोचा आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीजें आप लोगों ने भेजी हैं. एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, आई डू हैव अ पीओ बॉक्स जिसमें आप कुछ भी भेज सकते हो. व्हाटएवर यू वांट टू गेट फीचर्ड ऑन द बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, यू कैन सेंड मी. या वी आर वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर. और जो सबसे स्मार्ट ब्रांड्स हैं उनको पता है ये चीज. आप लोग मुझे जितने भी पार्सल्स जो कुछ भी भेजोगे उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक पूरी अलग सेगमेंट बनाई है. मेरी स्टोरी हाइलाइट्स अगर आपने देखी है तो वहाँ पे पीओ बॉक्स करके ऑप्शन है, दिखाता हूँ. आपको जाना पड़ेगा मेरे प्रोफाइल में योर इंडियन कंज्यूमर, हाँ उस पे, और कुछ ऐसी दिखेगी आपको प्रोफाइल. उसमें ये जो है ना पीओ बॉक्स, ये जो स्टोरी हाईलाइट है ना,
इस पे देखो खजाना मिलेगा खजाना। तो ये जो पीओ बॉक्स वाली स्टोरी हाईलाइट है, इसमें आप जितने भी मुझे मेल्स भेजोगे वो सभी मैं डालने वाला हूँ, एंड इट विल बी देयर ऑलवेज, सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं, आप कभी भी देख सकते हो। गुड राइट। ये पहला पार्सल हमें भेजा है अभिजीत आवाज ने, एंड ये सेंड मी सम बैग which look like plastic bag as per whatever he has mentioned in this letter. You put this bag in the soil aur 6 mahine ke baad poof gayab. It is freaking biodegradable. It's some kind of a green bio blend resin originated from renewable plant resources jaise ki corn, maka. So if you're a shop owner, you can keep these bags in your store. Much more green and clean. See this? The bag itself says I'm a compostable bag. Kare pancha aata hai bakto hai. Haan? पंचा इज देयर विद मी। चल आजा, यू आल्सो कम इन द फ्रेम, हेल्प मी विद ऑल दीस बैग्स मैन। जो किराने माल वाले यूज करते हैं ना उनके लिए ये बेस्ट है। ये देखो, ये ऐसे इसमें डाल के वो गांठ मारते हैं ना। आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग। मैं सोच रहा था इन बैग्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं मेन चैनल पे, बट ब्लॉग चैनल पे मेन चैनल से ज्यादा व्यूज आते हैं, सो आई शुड टेक्निकली कॉल दिस चैनल एज माय मेन चैनल। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। यहाँ पे बैग के भाव भी बताएं। एंड दैट्स हिज कॉन्टैक्ट नंबर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। नेक्स्ट पार्सल इज आदित्य पांचाल फ्रॉम उल्लासनगर। वो इट्स अ फ्रीकिंग ड्राइंग बुक। और भी बहुत सारी कार्स है, अच्छे अच्छे डिजाइन है। बुक के स्टार्ट में हमारे लिए एक लेटर है। रिस्पेक्टेड दादा ताई दीपू भाई, रिस्पेक्टेड दादा ताई दीपू भाई, दैट राइम्स। थैंक यू सो मच आदित्य पांचाल, योर डिजाइन आर रियली नाइस। आई डोंट नो व्हाट आई डू विद दोस डिजाइन, बट एंड व्हाई डिड यू सेंड इट टू मी, बिकॉज दे आर रियली कूल। अभी मुझे इन चीजों की इंस्टा स्टोरी डालनी है जैसे मैंने बताया, एंड देन वी नीड टू हेड टू द मॉल। पांड्री को भी धुला देते बीच में, आज तो चाहिए, बहुत गंदी हो गई, ये कुछ ख्याल ही नहीं रख। प्लीज मेरा टाइम किधर जाता है तुझे भी पता है, तू बोलता है। तू भी ख्याल रखना चाहिए, काड़ू देख एकदम चकाचक। डीप लाइफ को काम पे लगाया। Yeah, the Phoenix Mall right now. दीपिका ने बर्थडे में मुझे जीन्स लिया था, उसने 30 ले लिया, मतलब उसे लिया था 32 पर वो 30 की साइज का है, तो मुझे हो ही नहीं रहा है। फाइनली कोई कपड़ा जो मुझे नहीं हुआ, सो वी नीड टू चेंज इट नाउ। मेरा बर्थडे 2 हफ्ते पहले था, अभी हम लोग को टाइम मिल रहा है। Unless buy something for the lady. नहीं नहीं नहीं, वो तेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मेरे को कुछ मोह माया नहीं। प्रोडक्ट डोंट इम्प्रेस मी, पीपल डू। I'm thinking of exchanging my jeans with these. They look nice, right? But सबसे अव्वल क्या पता है? ये चीज। हाँ, मैं वही चीज करने वाला हूँ जो तुम सोच रहे हो मैं करने वाला हूँ। हाँ, yes, I'm going to do it. कपड़े के स्टोर में आके मैं कपड़ों का बात नहीं करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? The latest merch in town is back in stock. Zip full sleeve tees are back in stock, guys. The latest, the hottest, the softest merch in town. The link is below in the description. Anyway, if you don't need, you don't buy. But अभी need है। बारिश है ना, ठंडी लगता है। इसके लिए फुल स्लीव का सेल वापस चालू कर दिया है। ऐसे पैंट को ऑफिशियल यूनिफॉर्म बनाना चाहिए मुंबई के लोगों का। अरे पर क्या, पर इसमें जिप ही नहीं है। हाँ क्या, इसमें आदमी सुसु कैसे करेगा? हाँ, सब निकलना पड़ेगा छोटे बच्चों जैसा। स्कूल में कोई भी फ्रेंड है ना, पूरा पैंट निकल के सुसु करता। इफ यू आर वन ऑफ दैट किड, स्टॉप डूइंग इट, जस्ट डोंट डू इट। पूरा असर पड़ता है यार दूसरों के सर पे। पंजा ने मुझे जो गिफ्ट कार्ड दिया था, मैंने उससे उसी को ट्रीट दे दिया। हाउ यू फीलिंग पंजा? फर्स्ट टाइम केएफसी में आके मैं चिकन पॉपकॉर्न नहीं खा रहा। हां तो क्या, मैंने उसके लिए लिया था। कंट्रोल, घोर तपस्या के बाद इस लेवल पे पहुंचे हम। आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग आउट वाव मोमो फॉर द फर्स्ट टाइम। सुना बहुत है वाव मोमो के बारे में, करो ट्राई वाव मोमो। मैडम ये खाने वाली है वेज जिंगर फॉर द फर्स्ट टाइम, पर वो भी ले नहीं रही थी, बोलती अरे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, 125 रुपीज मत ले। अरे क्यों ना बोल रही थी, वो 500 का कूपन था इसके लिए। अरे तेरा और मेरा एक ही हो गया ना यार, क्या तेरे लिए मेरे लिए यार, ये ऐसा इसका रहता है छोटा छोटा चीज। तो इतनी बड़ी हो गई है फिर भी पब्लिक बोलते है साला छोटे बच्चे की तरह करते। छोटे में मजा है, छोटे रहने में असली आनंद है ना। दिल तो बच्चा है जी। इट्स स्टोरी टाइम विद दीपिका एंड प्रसाद, एंड आई नो द ऑडियो इज लाइफ। स्टोरी ऐसा है कि कुछ भी खाने से पहले ना फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट दीपिका हमेशा उसके धनी को देती है, विच इज रियली फनी। बट टुडे द स्टोरी चेंजेस हियर। आज मैं पहला बाइट दीपिका को ही मारने को बोलने वाला हूं। यू हैव गो फॉर इट, यू आर विटनेसिंग हिस्ट्री गाइस, द स्टोरी हैज चेंज्ड। इसके लिए मैं पहला बाइट मारता हूँ, चेक करने क्योंकि इतना गर्म है। हम लोग घर पे नॉनवेज और वेज सब मिक्स लाते हैं ना, उल्टी और बाद में मुंह धोने का कार्यक्रम आधा एक घंटा चलता है, तो उससे अच्छा पहले मैं ही टेस्ट कर लेता हूँ। अभी लास्ट का बाइट दे रही है वो इसको बोलती है माना था घास, बट अगेन द स्टोरी चेंजेस योर। आज हुआ है असली इंसाफ, हमेशा ऐसी होगा। अभी नहीं, अभी पत्नी का मांग, क्या नसीब है ना मेरा, तेरा नसीब ज्यादा अच्छा है, समझा ना स्वीटी। स्वीटी माहिती क्या कसा पिक्चर है तो,
Trying out wow momo for the first time. So I got these 5 momos for 93 rupees. ये chicken momo है, अभी खा के बताता हूँ कैसा है. Momo की परीक्षा. पहले red चटनी में डाल रहा हूँ. The chutney is good. Not bad wow momos. It's good. Green चटनी में garlic है. That's the inside filling. Wow momos, nice momos. And nice chutneys as well. 93 rupees में mall में खाने के लिए worth है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वाव मोमोज में पानी का बॉटल 20 रुपए का ही मिलता है. कीप इट दैट वे. बाकी है यहाँ पे 2-3 दुकान जो लूट रहे हैं. मुझे घर पे जाके मेन चैनल के लिए वीडियो शूट करना है और मैं यहाँ पे बर्तन धोने का साबुन ले रहा हूँ. एक बर्तन धोने का लिक्विड लेने के लिए ये मुझे पूरा मॉल घुमाती है. हमेशा हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे बुलाती है मुझे. सस्ता मिलता है. कितना सस्ता? 50 रुपया सस्ता. फालतू गिरी यार, ये कहाँ का लॉजिक है ये? डू यू नो द वैल्यू ऑफ माई टाइम? लेट्स नॉट गेट इन टू दैट. मिला क्या? मिला तेरे को लिक्विड फाइनली? ये तो मैं अमेजोन से भी मंगा सकता था. लिक्विड गायब झाला? क्योंकि रिलायंस वालों को भी मालूम है सब लिक्विड दीपिका लेके जाती है कुछ भी. हर महीने के स्टार्ट में. मिला फाइनली रिलायंस. ये जो लिक्विड है ना, इसने मेरा जिंदगी हराम कर दिया. क्या है ऐसा ये लिक्विड में? घर पे भेजो यार रिलायंस. ये 100 रुपीज में 1 लीटर मिलता था पहले. अभी जाके देखते कोई डिस्काउंट रहेगा क्या. वो लोग को समझ गया रहेगा कि दीपिका हमेशा आती है हर महीने और स्टॉक लेके जाती है पूरा. हाँ यार, पूरे खानदान के लिए. और अपने हस्बैंड को भी लाती है परेशान करने को. नहीं, मैं तुझे नहीं हमेशा लाती हूँ. मुझे पता है कि वैसे नाटक करते रहते हैं. दिस इज नॉट नाटक, ये मेरा दर्द है. थोड़ा फार तो मनसा ने झेला हुआ जाता है. इतना घरातला संसार है बाबा. संसार नहीं चाहिए ऐसा संसार यार. अभी उधर सामने गई दीपिका का 25 रुपए एक्स्ट्रा चला गया. उसका दुख है उसको अभी बहुत ज्यादा. देखो देखो दिल रो रहा है लड़की का. शी इज सो सैड. मैं तेरे को देता है 25 रुपए. चल चुप बैठ. लाइजॉल पे हार्पिक फ्री. ये तेरे कुत्तड़ पंचा. चलना मेन चैनल का वीडियो शूट करने के अपने को. नहीं तो सब लोग गाली डालते मेरे को. हो गया लाइजॉल पे ये फ्री वो फ्री. हो गया ना सब फ्री. आ चलो और एक नुकसान उसमें फिर. ठीक है चलो 25 रुपया बचा लिया. कैमरा फोड़ो. वो लिटरली वापस चली गई पता नहीं क्यों. व्हाई डिड यू गो बैक? अभी कौन सा डिस्काउंट दिखा? अमेज़न से खरीद एफिलिएट इनकम भी मिलता है फाइनली. ओके लीविंग. Alright. पैसे बचाने की जिद. खुश तो बहुत होगी तुम्हारे. कितना रुपए बचा? 25 रुपए. 150 रुपए बचा हम लोग ने टोटल. मतलब दीपिका ने, मतलब मेरा ही बचा. मैं कुत्तड़ बन जाए. हाँ अरे भगवान से डर? नहीं मैं नहीं डर. पंचायत जस्ट लाइक मैं किसी से नहीं डरती है. नहीं डरती है. गेम में बोलते हैं ना मरना नहीं है. वैसे मैं लाइफ में बोलता हूँ डरना नहीं. कैसे पता है? अगर आपके दिल में सच्चाई है ना तो आप किसी से नहीं डरते. ये मैंने ऑब्जर्व किया. इफ यू आर राइटियस यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन. कुछ बुरा करो मत, अच्छे काम करो और किसी का बुरा मत सोचो. आपके साथ एकदम सब सही होगा. दैट्स हाउ वी रो. वी डोंट डू बैड बिकॉज़ आवर मामा टॉट अस बेटर देन दैट. कितने सारे प्लास्टिक के बॉटल्स है. गाइस समथिंग रियली स्पेशल हैपेंड. जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं जिनको मराठी पढ़ना आता है उनको ऑलरेडी पता है. जिनको मराठी नहीं समझता उनको बताता हूँ. ये चीज जो है ना ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है इसलिए मुझे ये शेयर करना है ब्लॉग पे. सो व्हाट हैपेंड, एक लड़की अकेली ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में. एंड इट सो हैपेंड कि उस बोगी में कई सारे लड़के थे जो पत्ते खेल रहे थे. और लड़कों का आपको पता है दे कैन मेक गर्ल्स अनकंफर्टेबल एट टाइम्स. ऐसे कई सारे मर्द देखे मैंने. एंड गर्ल्स आई होप यू एबल टू रिलेट हियर. ऐसा होता है. सो दिस गर्ल वाज अलोन एंड वाज काइंड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड. सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अनदर गाय इन दैट बोगी. दिस गर्ल डायरेक्टली अप्रोच दैट गाय और बात करना शुरू कर दिया. यू नो जस्ट टू हैव दैट कंपनी, टू जस्ट फील सेफ. अभी वो लड़का जो था वो भी उस लड़की के लिए अनजान ही था. तो उस लड़के के मन में ख्याल आया और उसने पूछा उस लड़की से कि तूने सिर्फ मुझसे ही बात क्यों की? Why did you feel that I am the right person to talk? And then she was like, क्योंकि आपने जो टी-शर्ट पहनी है ना वो UIC फैमिली की है. And I am a UIC family member. I can't tell you guys how good it feels. आप लोग मुझे पूछते हो ना कि तेरा नेट वर्थ कितना है, तू कितना कमाता है. ये मेरी कमाई है, इतना कमाता हूँ. This is how rich I am. ये इंसिडेंट गाइस मेरे लिए बहुत बड़ा है. दैट गाय इन दैट कंपार्टमेंट वाज द राइट पर्सन. इसका प्रमाण पत्र दिया इस चीज ने. आ मर्चेंडाइज, दिस गाइस इज अ फैमिली, द यूआईसी फैमिली. हाँ हम माइनॉरिटी है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है चैनल, सब पता है. जितने लोग जुड़ रहे हैं ना आप एक नंबर हो. बस शेयर करने की इच्छा हुई यार, अच्छा लगा. पीपल कीप ऑन आस्किंग मी व्हाट इंस्पायर्स मी, व्हाट मोटिवेट्स मी. इंसिडेंसेस लाइक दीस मोटिवेट मी. मनी डज नॉट मोटिवेट मी. आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय फैंसी प्रोडक्ट्स, नो. But moments like these inspire me. Would you have done the same? जो लड़की ने किया. हाँ. Why? क्योंकि विश्वास है. जो सामने वाला बंदा था वो UIC family member का था. ये कैसा विश्वास है? वो connection रहता है ना videos के through. बन गया है वो. Guys, UIC family का दर्जा वेगड़ा. You guys are crazy. You guys make me feel so proud. I love you, man.
Go, 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 chase your dreams, make every second count. Have an awesome day. You, I see you later. चलो मुझे भी ऑफिस जाना है. ए बच्चा.